नाम है देवेंद्र प्रसाद यादव। सर पूरा अपना परिचय दें सर यहाँ का। यहाँ मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ जी, प्लस टू मन मोहन हाई स्कूल रामपट्टी में जी। सर आपका घर कहाँ हुआ? घर तो झंझारपुर है। झंझारपुर किस कौन सर? पुरानी बाजार। तो मेरा पड़ोसी भी है, मेरा घर पड़ता है मधेपुर पचही। अच्छा जी, मैं पचही का रहने वाला हूँ, मधेपुर पचही है, जानते हैं जी। तो सर ऐसा है कि इस स्कूल में सर आप कितने दिन से? 7 साल से। 7 साल से। इससे पहले कहीं दूसरे जॉब में थे? दूसरे जॉब स्कूल में जॉब किया। सर ऐसा है कि हाई स्कूल है जी, प्लस टू। प्लस टू। तो सर अभी फिलहाल आपके सहयोगी कितने शिक्षक और शिक्षिका हैं? 20 हैं। 20। और सर लगभग स्टूडेंट्स 1600-1700 के बीच। 1600-1700। और सर फिर अब तो नया सेशन चालू हो रहा है, तो एडमिशन भी ओपनिंग हो गया है, तो 10th और 12th के बच्चे पास आउट हैं जी। कल रिजल्ट हो गया 10th का। जी जी जी। तब नया एडमिशन आज से शुरू है जी। सर कैसा रिजल्ट रहा इस बार आपके स्कूल में? अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क लाने वाले कितने हैं? अभी टोटल नहीं आया है सामने में जी, लेकिन 3-4 बच्चा 90+ है, बाकी फर्स्ट डिवीजन में बहुत अच्छा खासा है जी, जी। लेकिन टोटल कलेक्शन अभी नहीं हुआ है जी, तो कितने बच्चों का हो गया है जी, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आ रहा है जी पता चल रहा है। पता चल रहा है। सर आपके यहाँ आपके स्कूल में आपके सामने क्या क्या समस्या है? समस्या क्या है? समस्या तो रूम क्या का क्या है आपको? मकान हाँ, बस बोलिए सर। हाँ, मकान की समस्या है, स्ट्रेंथ के हिसाब से मकान बहुत कम है जी। कितना और चाहिए मकान आपको? मकान तो बहुत चाहिए, लगभग कितना? स्ट्रेंथ के हिसाब से कम से कम 25-30 रूम चाहिए। इसका मतलब है कि मान लीजिए एक साइड से बनाना पड़ेगा। हाँ, कोई जगह की दिक्कत नहीं है, जगह तो काफी जगह। हाँ मान लीजिए, हाँ तो मान लीजिए एक ठो ये हुआ 25-30 ठो रूम चाहिए जो मान लीजिए स्टूडेंट रहे और लेक्चरर या कहिए। हाँ, टीचर्स का भी बहुत अभाव है, फैकल्टी वाइज टीचर नहीं है हमारे पास में, खास करके प्लस टू में 6-7 टीचर चले गए हैं यहाँ से जी, और अभी तक कोई आए नहीं है उसके वजह में जी। जी, तो सभी विषयों में लगभग टीचर नहीं के बराबर, एक इंग्लिश में है जी, एक म्यूजिक में। कौन कौन विषय का शिक्षक चाहिए सर? बाकी सभी विषय का चाहिए, एक प्लस टू में केवल एक इंग्लिश के टीचर हैं जी, एक उर्दू के हैं जी, और कॉमर्स में 2 टीचर हैं, एक म्यूजिक के हैं जी, और एक कंप्यूटर साइंस के है। बाकी सभी विषय में टीचर चाहिए हमको, सभी विषय में टीचर चाहिए। साइंस में एक भी नहीं है जी, साइंस में एक भी नहीं है। आर्ट्स में भी जो विषय है जी, उसमें भी कोई टीचर नहीं है। अच्छा अच्छा, तो फिर पढ़ाई कैसे चल रहा है? वही अभी अभी लोग जो थे वो लोग पढ़ाते थे जी, अभी कुछ आए थे ट्रेनिंग में, वो लोग भी कुछ क्लास लेते थे जी। अब आगे देखिए क्या होता है, ट्रेनिंग समाप्त हो गया, वो लोग चले गए, ट्रेनिंग समाप्त। आप सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से कितना शिक्षक चाहिए और किस किस विषय? डिमांड बना के भेज दिए, डिमांड गया है यहाँ से, डिमांड गया सभी विषयों का। वही चीज जो डिमांड में गया है, सभी विषयों का शिक्षक चाहिए, प्लस टू में भी जी, और 9th-10th में भी विज्ञान को छोड़ के। हाँ हाँ, सभी उसमें तो बहुत सारा विषय है ना, बहुत सारा विषय है। हर एक फैकल्टी में टीचर चाहिए। अच्छा, कुछ फैकल्टी में छात्रों की संख्या ज्यादा होती है जी, जी, जैसे अब तो सारा एडमिशन होना है जी सर, प्रैक्टिकल स्कूल में प्रैक्टिकल भी होता। हाँ, प्रैक्टिकल भी होता है, उसमें भी मान लीजिए प्रैक्टिकल का टीचर, प्रैक्टिकल जो जिस विषय के वही कराते हैं, वो कराते हैं, वो है, वो है नहीं, जिस विषय के हैं वही कराते हैं। अभी तक मान लीजिए साइंस में एक केमिस्ट्री में थी मैडम और एक अतिथि शिक्षक में जी, तो वो दोनों क्लास लेती थी बायोलॉजी और केमिस्ट्री का जी। और क्या समस्या है स्कूल में? समस्या तो 100 रहता है, लेकिन उसी में जरूरी जो जरूरी तो मकान, बेंच डेस्क यही सब है, और मकान रहेगा तो बेंच डेस्क चाहिए, टीचर चाहिए जी, बाकी बाथरूम वगैरह कुछ है भी, कुछ बन भी रहा है जी, पीने उने का पानी आप जो बना के दिए थे उस पर कुछ एक्शन हुआ अभी तक? कोई JEE-TEE या सरकारी इन्वेस्टिगेशन कुछ हुआ ऐसा? हाँ, लोग आते हैं, सर्वे वर्वे किए हैं जी, काम प्रोसेस में है, 4 रूम का मकान के लिए जी गया हुआ है जी, हो सकता है अप्रैल मई में जी शुभारम्भ हो जाए। हाँ, आठ लग जाए। हाँ, उसका टेंडर वगैरह होना है, इसीलिए विद्यालय से नहीं बनना है जी,
टेंडर वगैरह। सर और क्या क्या बच्चे का यहाँ सुविधा क्या क्या मिल रहा है सर? बच्चा को सब कुछ सब सुविधा है यहाँ पे, पढ़ाई लिखाई जो भी हमारे स्मार्ट क्लास है जनरल जो क्लासेज हैं हमारे सभी शिक्षक 6 क्लास मिनिमम करते हैं जी, तो जो है अपने अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं जी जी, ज्यादा भी जरूरत पड़ा दक्ष क्लास लेते हैं स्पेशल क्लास लेते हैं जी। टाइमिंग क्या है सर? वही ना, टाइमिंग 9 से 5, 9 से 5 बच्चों के लिए वही 10 से 4 है जी, शिक्षक के लिए 9 से 5 है जी। उसमें परिवर्तन नहीं, अभी कोई सरकारी कोई आदेश नहीं है जी, जी। उसमें परिवर्तन करें जो सरकार का आदेश है आप लोग पालन जी, बिल्कुल वही करें। और कुछ कहना चाहते हैं सरकार को? सरकार को क्या, हम लोग तो खुद सरकार के अंग हैं जी, अंग है विद्यालय, हमारे शिक्षा विभाग को हमारी समस्या के बारे में सब कुछ पता है जी, और शिक्षा विभाग बहुत ही जोर शोर से सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए लगे हुए हैं जी, और बहुत जगह इसकी सफलता मिल भी चुकी है, और चूंकि एक दिन में सब कुछ नहीं बदला जा सकता है, समय लगेगा बिल्कुल, लेकिन सब कुछ लाइन अप हो रहा है जी जी। अभी तो आपके जो मान लीजिए मंत्री जी हैं वो खुद IPS हैं और आके IPS रहे हैं जी, समझ गए नहीं रहे हैं, लेकिन मंत्री जी भी तो IPS हैं, कहने का मतलब थे वो नहीं होता है तो हैं IPS के पाठक ये तो IPS और IAS दोनों मिल हैं ही, हाँ बिल्कुल हैं ही, दोनों मिल गया तब तो ये हो होना ही है। ठीक है सर, फिर एक बार अपना नाम लिया देवेंद्र प्रसाद यादव, मोबाइल नंबर कितना हुआ सर का? 7004199790।